दोस्तों ये बरसा ने बनाया है और ये तेजस, और ये देखो मेरा पर्स। अच्छा अच्छा हैप्पी मदर डे। मेरा भी तो दिखाओ अंदर से। ये देखो कैसे बनाया इसने। ये देखो इस पे अभी दोस्तों अभी का सीन ये है कि अभी हम जाने वाले हैं आरटीओ ऑफिस, और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ आरटीओ ऑफिस क्योंकि मेरे को पॉल्यूशन का बनवाना है और क्योंकि कागज जरूरी है जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आरटीओ ऑफिस। दोस्तों करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ। हर हर महादेव, मैं हूँ आपका दोस्त कपिल सारस्वत भरतपुर राइडर, और अभी का ये सीन है कि हम जा रहे हैं अभी आरटीओ ऑफिस। तो आरटीओ ऑफिस में जा रहे हैं क्योंकि इसका जो बीमा है ना वो 5 मई को एक्सपायर हो गया है। पॉल्यूशन वाला बीमा तो मैंने करा लिया था, और हमारी एक राइड होने वाली है शायद चार धाम की। और चार धाम की राइड की मैं बता दूं, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया है? हो ही नहीं रहा। केदारनाथ पूरा फुल है, गंगोत्री यमुनोत्री ये पूरा महीना फुल है, और बस बद्रीनाथ में मिल रहा था रजिस्ट्रेशन। तो हमारे जो मित्र हैं गजराज भाई, ललित भाई, जो पहले हर बार जाते हैं हर साल, उनको 12-13 साल हो गए जाते जाते, तो बोल रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के भी वहाँ पर हो जाता है रजिस्ट्रेशन, आप मैनुअली करा सकते हो। तो मैंने कोई पंगा नहीं हो बाद में, और कह रहे हो जाएगा भाई चिंता मत करो, हम बाबा मेहर करेंगे। तो मैंने चलो देखते हैं। और उसमें भी लफड़ा ये है कि हमने अभी छुट्टियों की एप्लीकेशन अभी दी नहीं है, अब छुट्टी मंजूर होती है नहीं, क्योंकि हम अभी नासिक से आए हैं, 7 दिन की छुट्टी पहले मार के आए हैं, और 12-13 दिन की छुट्टी और दोबारा। तो बड़ा लफड़ा है, आप बने रहना वीडियो में, पता लगेगा कि जाएं कि नहीं जाएं, ये भी कन्फ्यूजन है, पेमेंट का भी इशू है। और हमारे साथ लाइफ अनलॉकर भाई कृष्णा ब्लॉग भाई चल सकते हैं चार धाम की यात्रा पे, वो भी कह रहे हैं कि पेमेंट का इशू कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा पैसे के ऊपर चलेंगे। आप देखो बाबा की कृपा होगी तो आप चार धाम ज़रूर दिखाएंगे आपको। और पहली मेरी चार धाम यात्रा होगी, मैंने केदारनाथ यात्रा कर रखी है 2021 में, उसके बाद मैं 2023 में तुंगनाथ गया था, और 2023 में मैं आदि कैलाश गया था। तो ये मेरी लंबी यात्रा है भरतपुर से। अब देखते हैं आरटीओ ऑफिस आ चुके हैं, यहाँ पे मेरे को अपना जो पॉल्यूशन का है वो करवाना है, तो पॉल्यूशन का पकड़ लेते हैं तो 500 रुपये की रसीद कट जाती है तेरी की। मैं इंडिकेटर दे रहा और ये पीछे से धूम, भैया ठुक जाती आज तो, ये तार लग रहा है क्या इसको, पॉल्यूशन वाले का छुट्टी है क्या? पॉल्यूशन वाला बंद है, और कोई ना है पॉल्यूशन। तो लोचा हो गया हमारा पॉल्यूशन का। ये दो हैं आरटीओ ऑफिस के सामने दो बैन खड़ी रहती हैं, कल की छुट्टी है संडे की ये बोल रहे हैं, और आज छुट्टी है तो इस वजह से नहीं बन पाएगा। अब हमको मंडे का वेट करना पड़ेगा, मंडे को हमें छुट्टी सेशन करानी पड़ेंगी, मिल जाएंगी तो। मैंने छुट्टी 7 दिन पहले दे रखी है, अब पता लगेगा छुट्टी मंजूर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल है जाना। हर हर महादेव। ये अपना लोहागढ़ स्टेडियम, यहाँ से निकलते हुए अब से चलते हैं सीधे घर के लिए, मिलते हैं घर। और आज आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप दिखाता हूँ अपना, मेरा सेटअप कैसा है मोटो ब्लॉगिंग का। दोस्तों आ चुके हैं आरटीओ ऑफिस से, और मैं गया था तो वहाँ पे बंद हो गया था, कल संडे है कल भी बंद रहेगा, मुझे बनवा देना पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट क्योंकि मेरा एक्सपायर हो गया था। और होता क्या है कि 6 महीने तक वैलिड रहता है, बहुत से 1 साल तक करते, तो मैंने 1 साल वाला बनवाया था। तो अभी बाद में जाऊंगा, मेरे को राइडिंग जैकेट भी सही करानी है, और मैं जाने वाला हूँ चारधाम। तो चारधाम में क्या हो गया, चक्कर क्या है कि रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहे, अब हम जाने वाले हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन का ये सीन रहेगा, वहीं जाके हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हम 5 लोग जा सकते हैं, मेरा कोई अभी फाइनल नहीं है, अगर महादेव के पास रही तो आपको पूरा चारधाम के दर्शन कराएंगे, और नहीं रही तो हम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मेरे को छुट्टियों का और पेमेंट का थोड़ा इशू है, वो अगर क्लियर हो जाता है तो मैं 100% जाऊँगा। मैं अपना आपको सेटअप दिखा देता हूँ, मैं कौन सा क्या चीज़ यूज करता हूँ। अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ गोप्रो से, गोप्रो 12, और ये देखिए ये मेरा हेलमेट, ये मेरा हेलमेट है, ये देखिए ऐसे करके मैंने माउंट लगा रखा है इस पर, और मैं ये गोप्रो इधर फिट कर देता हूँ, और इसमें ये माइक है, और एक्जोर का मेरा हेलमेट है, और मैंने इसमें लाइट लगा रखी है, ये लाइट ऐसे जलती है, अभी पता नहीं बैटरी ख़त्म हो गई इसकी, तो ये डाउन हो गया है, और अपना ए प्लस का पॉजिटिव का ब्लड का ग्रुप का, अभी इसको मैं यहाँ पे फिट कर दूँगा, अब देखना फिर। दोस्तों हमारा जो गोप्रो है माउंट कर दिया गया है हेलमेट पे, आप देख सकते हो ऐसे ये माउंट है पूरा, और ये माइक लग रहा है इसमें,
और ये है मीडिया मोड इसका ऊपर का, तो इससे आवाज़ भी आ जाती है जो नॉर्मल मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसका। ये इसका केबिन आता है 8000 का और ये पड़ा 42000 का, तो आप लगा सकते हो 50000 का जो अपना GoPro 12 है वो है पूरा, और 5000 का अपना हेलमेट है। तो ये हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो दोस्तों ये था हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने GoPro 12 से। और रहता ये है कि GoPro 12 का जो वीडियो आते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी का आते हैं। मैं ये यूज करता हूँ, ये मेरा फ़ोन है OnePlus Nord CE 2, तो 2 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, इसी से मैं अपना एडिट करता हूँ काइनमास्टर से। उसके बाद फिर इसको टाइम लग जाता है एक्सपोर्ट करने में, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और मेरा ब्लॉग करीब 2-3 घंटे में बना लेता हूँ। और थंबनेल के लिए मैं यूज करता हूँ पिक्सल लैब, तो उससे भी मैं काम चला लेता हूँ। तो आप कमेंट करके बताना आप अगर कोई यूट्यूबर हो तो कौन सा ऐप यूज करते हो। और चार धाम का ऐसा है कि चार धाम हम जा रहे हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हम 5 लोग जा सकते हैं। 3 लड़के हैं दिल्ली के जो हर बार जाते हैं, उन्होंने कहा है भैया मेरठ बाईपास पे हमको मिलना है, तो हम 2 लड़के भरतपुर से जाएंगे, करीब हमारी 1500-1600 किलोमीटर की यात्रा रहेगी, और मेरठ से सहारनपुर होके हम उत्तरकाशी पहले यमुनोत्री करेंगे। अगर पहले मेरा सोमवार को पता लग जाएगा आपको फाइनल मैं स्टोरी डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो कर रखा है, और नहीं कर रखा है तो भरतपुर राइडर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, उसमें मैं सारी अपडेट चार धाम की डालूंगा। अगर गया तो एक एक स्टोरी कहाँ पहुँचे, कहाँ खाना, क्या पेट्रोल कितना खर्चा लगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी चार धाम की। तो मिलते फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।